वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वो कैशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम टैलमेंट की क्लास के अंदर जो गो थ्रू करने जा रहे हैं वो है शैडोज। सो आज हम शैडो को कॉप अप करेंगे इन टैलमेंट। सो सबसे पहले हम अपनी टैलमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं शैडोज के टैब में, ठीक है, इफेक्ट्स पर आ जाते हैं और इफेक्ट पर सबसे पहले हमारे पास है बॉक्स शैडो। ओके जी, सो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के ज़रिए आप अपने किसी भी कंटेंट के बैक पर अगर आप शैडो देना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपने शैडोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने शेडो जो है, अगर शेडो नहीं चाहिए तो शेडो नन कर सकते हैं, ठीक है। शेडो इनर से इनर शेडो आ जाएगा एंड आउटर से आउटर शेडो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई द होवर तो आप होवर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आपने बॉक्स शेडो का कलर चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कलर शेडो, बॉक्स शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। दे आर दी प्रॉपर्टीज़ शेडो सयान 500x50, ठीक है। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है जिनको आज हम गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम आते हैं बॉक्स शैडो के ऊपर और सबसे पहले हमने एक जो है वो कंटेनर बना के रखा हुआ है इस स्टाइल का, आपको दिखा देते हैं। ये तीन बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं और हम पहले बॉक्स के अंदर शैडो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास शैडो की चार प्रॉपर्टी थी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड 2XL, ठीक है, एंड नन, 5 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल शेडो लिखेंगे, डैश के बाद आप यहाँ पर मीडियम कर देंगे, ठीक है। तो मीडियम से क्या होगा हम देख लेते हैं। ये शेडो आ गया पीछे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम शेडो की प्रॉपर्टी अगेन इम्प्लीमेंट करते हैं एक और बॉक्स के ऊपर, शेडो लार्ज लगा के देखते हैं, एलजी फॉर द लार्ज, ठीक है। तो रिजल्ट क्या गैट करेंगे हम, ये देखें, इससे ज़्यादा है इसका शेडो। अगर हम 2XL लगाते हैं तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी शेडो एंड देन 2XL करके देखते हैं तो प्रॉपर्टी क्या हमें जो है वो गैट करके देगी। नाउ यू कैन सी इसका ज़्यादा है, इसका कम है और इसका कम है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू अप्लाई द शैडो। इसी तरीके से हम इसके बैकग्राउंड कलर को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम आते हैं शैडो कलर्स के ऊपर, सिंपल आप बैकग्राउंड कलर लेंगे एंड देन शैडो। सिंपल मैं शैडो कलर लेना चाह रही हूँ तो मैं शैडो में ब्लू कलर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ ओपेसिटी के साथ। तो मैं यहाँ पर 500x50 इसी के साथ मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगी स्पेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो अब गो थ्रू करते हैं, देखिए कलर चेंज हो गया, क्लियर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है कलर चेंज करना है। अब आप ब्लैक या आई जस्ट टेक हियर द ब्लू, मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसके पीछे ब्लू शेड आ गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं रेड लेती हूँ एंड देन मैं यहाँ पर रेड ले लेती हूँ, दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे कि आप किस तरीके से अपने बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और शेडो दे सकते हैं। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।